राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं जाने माने एक्टर पंकज कपूर। महेशम सुरेशम सुरारार्तिनाशम विभुम विश्वनाथम विभुत्यंग भूषम विरूपाक्षमिन्दर्कवह्नि त्रिनेत्रम सदानंदमीडे प्रभुम पंचवक्त्रम। जाने माने अदाकार पंकज कपूर लुधियाना के रहने वाले हैं। पंकज कपूर ने जब अभिनय की दुनिया में अपना करियर तलाशने की सोची तो उनके पिता ने उनसे बाकायदा ट्रेनिंग लेने की बात कही। अपनी थिएटर की ट्रेनिंग के बाद पंकज कपूर के लिए सीधे फिल्मों में हाथ आजमाना कोई सूझबूझ की बात न होती, इसलिए थिएटर और टीवी से अपनी शुरुआत करके पंकज ने सही वक्त का इंतजार किया। और वो वक्त जल्द ही आया जब थिएटर के अपने दूसरे दोस्तों के साथ पंकज कपूर को नई धारा के सिनेमा में सार्थक और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं करने का मौका मिला। बुढ़ापा, बुढ़ापे में खा मत, पियो मत, पहनो मत। युवा अभिनेता शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर अभिनय की इच्छा रखने वाले हर युवा के आदर्श हैं। अपने मामूली चेहरे मोहरे के बावजूद पंकज कपूर ने किरदार के भीतर उतर कर जैसी यादगार भूमिकाएं हमें दी हैं, उनकी तासीर कभी कम नहीं होगी। हास्य से लेकर गंभीर चरित्रों को निभाते वक्त पंकज कपूर हर बार हमें चौंका जाते हैं। दल नंबर लगा मेरा, आदमी बना दे रखो, नहीं तो लड़की वाले कहेंगे चंदू का चाचा को जंगल से पकड़ लाए हो क्या। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद। हमको बताइए कि ये जो एक्टिंग की दुनिया में आने का जो सिलसिला है उसकी क्या कहानी है। कहानी तो बड़ी सीधी सादी सी है और ऐसा लगेगा आपको कि बहुत लोगों से सुनी हुई है। बचपन में ही एक्टिंग का शौक था तो स्कूल कॉलेज वगैरह में एक्टिंग करते थे, तो आगे चल के जब कॉलेज में गए तो फिर इरादा किया कि इसको बतौर प्रोफेशन अपनाना चाहता हूँ। तो इस तरह से मतलब एक्टिंग की तरफ ख्वाहिश और सिलसिला शुरू हुआ। फिर मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अगर तुम इस फील्ड में जाना चाहते हो तो बेटा सबसे पहले ये पता करो कि इस फील्ड का ग्लैमर तुम्हें अट्रैक्ट करता है या वाकई तुम्हारे अंदर सलाहियत है ये काम करने की। जिसके लिए उन्होंने मशवरा दिया कि मैं एक दो जगह पे अप्लाई करूं और तालीम हासिल करूं, जिसकी वजह से मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए और नेशनल स्कूल ड्रामा के लिए अप्लाई किया। ये तो खैर बाद में हुआ होगा। पंकज जी, जिस जगह पे आप रह रहे थे और जो घर का माहौल था, आपके वालिद ने जब ये मशवरा दिया होगा तो जाहिर है कि वो ये जो ऑफ बीट प्रोफेशंस हैं उसको लेकर रिसेप्टिव रहे होंगे। तो क्या घर में ऐसा कोई माहौल था जिसमें जो रूटीन ट्रेडिशनल जो प्रोफेशंस होते हैं उससे अलग भी बच्चे को ओरिएंट किया जाए? नहीं, दरअसल ऐसा नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये मेरे फादर की एक्सेप्शनल दूरदर्शिता और उनका जो वो बहुत ही इमेंसिपेटेड, बहुत ही पढ़े लिखे, ही वाज़ अ डबल एम ए, एम ए इंग्लिश, एम ए हिस्ट्री, टॉपर इन द यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से उनका बैकग्राउंड था। मेरे दादा भी टीचिंग प्रोफेशन में ही थे। तो वैसे तो हमारा सारा ख़ानदान जो है वो या कोई एयरफोर्स में या कोई नेवी में या पढ़ाई में या पढ़ने लिखने में। मैं शायद अपने ख़ानदान में पहला था जिसने ये तय किया कि इस तरफ आना चाहता हूँ। ये पंजाब में कौन सी जगह थी जहाँ? जी, लुधियाने का रहने वाला हूँ। लुधियाने के रहने वाले हैं आप, और जो बचपन था उसमें भी कुछ आपको लग गया था कि कुछ आप ये सब करेंगे? मतलब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शुरू में ही जब मैं 3-4 साल का था तभी से घर पे मेरी माँ छोटे मोटे हम लोगों को स्किट्स वगैरह कराया करती थी, और फिर जब बड़े हो गए तो स्कूल में और कॉलेज में हम ये जो आपके ड्रामा कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं उसमें काम करने लगे। तो आपने कहा कि FTII और NSD की बात पर हमने आपको टोका था, इसके आगे फिर क्या हुआ? नहीं, फिर यहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए गए और यहाँ पे अपना फिल्म इंस्टीट्यूट में ऑडिशन में तो सिलेक्ट कर लिए गए, लेकिन स्क्रीन टेस्ट में उनको मेरा चेहरा शायद मुनासिब नहीं लगा। तो नेशनल स्कूल ड्रामा में सिलेक्शन हो गया। तो फिर वहाँ पर 3 साल तालीम हुई और मुझे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की सोहबत मिली, ख़ास तौर पे इब्राहिम अलकाजी साहब जो उस वक्त वहाँ के डायरेक्टर थे, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और चूंकि मैं बहुत यंग था, सिर्फ 19 बरस की उम्र थी मेरी जब मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा ज्वाइन किया, तो जो कुछ भी आदमी अपने अंदर समो सकता है उस उम्र में वो अपने अंदर समोने की कोशिश की। और फिर 22 साल की उम्र में मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा से
डिप्लोमा हासिल किया और उसके बाद मेरा प्रोफेशनल करियर जो है वो थोड़ा देर हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पर रुकेंगे। आपने अलकाज़ी साहब का नाम लिया और अलकाज़ी साहब के साथ मेरी भी अभी पिछले साल गुफ्तगू ऐसे ही हुई, तो अब वो करीब करीब एक कह सकते हैं कि एक शॉर्ट मेमोरी लॉस में के दौर से गुजर रहे हैं। अब उन्हें याद भी नहीं कि उन्होंने किन किन एक्टरों के सर पे हाथ रखा और वो आज बड़े एक्टर बन गए। सुनते हैं अलकाज़ी साहब बहुत ही स्ट्रिक्ट और हार्ड टास्क मास्टर, जिसको एक क्लीशेड में कहा जाता है, वो तो क्या एक्सपीरियंस था अलकाज़ी साहब के बारे में अगर? जी, मैं तो समझता हूँ कि मैं बेहद फॉर्चुनेट था कि मुझे उस तरह के टीचर मिले जिन्होंने उस तरह की तवज्जो मुझे दी और उस तरह का डिसिप्लिन मुझे सिखाया, उस तरह की तालीम दी मुझे और मुझे इतना कुछ सीखने की लालसा मेरे अंदर पैदा की, जानकारी हासिल करने की ख्वाहिश पैदा की, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी दौर के किसी भी टीचर के लिए सबसे अहम होता है, अपने स्टूडेंट्स को इस तरफ जागरूक कर पाना कि भाई आप ज़िंदगी में सीखें और मेहनत करें और मेहनत करके ऐसा ना महसूस करें कि आपको सब कुछ हासिल हो गया है, बल्कि इस सीढ़ी को तय करते चले जाएं, तो बहुत सी जगह हैं जहां से आपको गुजर करके अपने मकाम तक पहुंचना है। और मैं अगर कल की तारीख में कोई इंस्टीट्यूट खोलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तालीम अलकाई साहब ने हम लोगों को दी और जिस डिसिप्लिन के साथ उन लोगों ने हमें सिखाया, मैं समझता हूं कि मैं उसी तरह की तालीम और बाकी जो कुछ तजर्बा पिछले 30-35 साल में मेरा हुआ है उस सब को समूह करके अपने स्टूडेंट्स को आगे देना चाहूँगा। ट्रेनिंग का दौर हम समझते हैं कि NSD के साथ ही करीब करीब पूरा हुआ या फिर? ट्रेनिंग का दौर तो मेरे ख्याल में कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ ये है कि एक जब आप एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो यूँ होता है कि ये बात मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा होता है जैसे एक नदी है जिसके अंदर बहुत पानी है, बहाव है, कहने का मानी ये है कि उसके अंदर बहुत ताकत है, अगर उसको कोई बांध दिया जाए, जो कि मेरा ख्याल है किसी तरह की तालीम जो है ये काम करती है, तो उसमें से आप बिजली पैदा कर सकते हैं, उसमें से उस बिजली का आप हर एक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी तरह की तालीम जो है, ख़ास तौर पे अगर ठीक तरह की तालीम आपको मिल जाए तो जो टैलेंट होता है, ये जो सलाहियत है आपके अंदर या काबिलियत है, उसको आप चैनलाइज कर सकते हैं और उस चैनलाइजेशन के बाद आपके अंदर चार चांद लग सकते हैं आपकी काबिलियत में या आपके टैलेंट में या जो जिस तरह का काम आप करते हैं, क्योंकि आप कुछ सीखते भी हैं, समझते भी हैं। फिर इसके बाद ज़िंदगी भर का सिलसिला है सीखने का, एक्सपेरिमेंट करने का, अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाने का, लेकिन जो नींव बनाई जाती है वो उस इंस्टीट्यूट में, जहाँ ख़ासतौर पर मैं अपने बारे में कहूँगा कि जहाँ मैं पढ़ा वहाँ पर एक तरह से नींव पड़ गई उस इमारत की, जिसको बनाते बनाते बनते बनाते यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे जाने माने एक्टर पंकज कपूर के साथ। जब से हमने थिएटर करना शुरू किया, समझ लीजिए जब से हम अभिनय की तरफ बढ़े, तब से ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में, आप हैं आज जाने माने एक्टर पंकज कपूर के साथ। पंकज जी, आपने कहा कि ट्रेनिंग जो है वो आपकी काबिलियत में चार चांद लगाती है, ये ज़रूर है, सब लोग जानते हैं कि सीखने का सिलसिला ज़िंदगी भर कभी भी ख़त्म नहीं होता, हर पल इंसान के लिए सीखने का पल है। लेकिन अगर एक फेज़ ऐसा देखें जब आपके पास इस तरह जिस तरह का काम अब आप कर रहे हैं वो नहीं था, और तब बहुत चूज़ी भी आप थे, उस दौर का एक एक्सपीरियंस हमारे साथ बताइए कि वो एक बड़ा दिलचस्प दौर है जिसमें कुछ नया करना है, कुछ बड़े एम्बिशंस के साथ सब लोग मिलकर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जो लीक से हटकर हो, उस दौर पर एक नज़र डालते हैं। मेरा ख्याल है जब हम उस पर नज़र डालेंगे तो उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ की हिस्ट्री सिनेमा की है या टेलीविज़न की है उसका थोड़ा बहुत जुड़ाव होता चला जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जब मैंने पास किया तो 1976 में पास किया मैंने, तो उस वक़्त टेलीविज़न तो था ही नहीं तकरीबन, तो कुछ साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में मैंने काम किया बतौर प्रोफेशनल अभिनेता, और कुछ थोड़ा बहुत बाहर काम करना शुरू किया। फिर गांधी फिल्म आई, उस फिल्म में एक छोटा सा रोल निभाया मैंने गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल जी का, लेकिन बड़ा काम उसमें किया गांधी जी की आवाज़ की डबिंग करने का। उसके दौरान कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए पैदा हुई कि पहले मुझे इजाज़त दे दी गई थी काम करने की, आधी फिल्म में जब मैंने काम कर लिया तो मुझसे कहा गया कि आप इस फिल्म को छोड़ दीजिए। किसने कहा? डायरेक्टर स्कूल ऑफ ड्रामा ने उस वक्त,
तो वो मेरे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि मेरा कमिटमेंट हो चुका था और ज़ाहिर है फिल्म में आप रिप्लेस नहीं कर सकते किसी को, तो मजबूरन नेशनल स्कूल ड्रामा छूट गया, रेपर्टरी कंपनी छूट गई। तो फिर अब काम कहाँ तलाशा जाए, रोज़गार का क्या इंतज़ाम हो। तो उस वक़्त क्योंकि मैं बम्बई में था तो श्याम बेनेगल साहब एक फिल्म बना रहे थे आरोहन, तो ओम मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि उनसे मिल लीजिए। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। बस उसके बाद से फिल्म का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, तुम कुछ नहीं कर सकते, जनता विमोदी भूषण मुर्दाबाद, जनता विमोदी भूषण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जनता विमोदी भूषण मुर्दाबाद। मेरी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। अरे इसकी गारंटी चाहिए, जनता विमोदी भूषण मुर्दाबाद, जनता विमोदी भूषण मुर्दाबाद, जनता विमोदी भूषण मुर्दाबाद। अगर तुम लोग गुनाहगार करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मसला सर्वाइवल का तो फिर भी था, क्योंकि जिस तरह की फिल्में हम कर रहे थे उस तरह की फिल्मों में पैसा वैसे तो कोई ख़ास था नहीं। हाँ, काम करने का मौका ज़रूर मिल रहा था और अच्छे लोगों के साथ भी मिल रहा था। और उस वक्त टेलीविज़न का दौर जो है वो हल्का हल्का शुरू हुआ, तो ये करमचंद नाम का एक सीरियल जो है वो मुझे ऑफ़र किया। तो पहले तो मैंने टर्न डाउन कर दिया कि मैं टेलीविज़न नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जब ये देखा गया कि खाने पीने का पैसा नहीं है और सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो रहा है, तो कहा गया कि अच्छा भाई देखते हैं स्क्रिप्ट क्या है। लेकिन मेरे लिए एक तरह से करमचंद करना जो है वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज जिसे मैं कहूँगा। फिल्मों में उस वक्त आपको क्या ऑफ़र हो रहा था, फिल्मों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिस कैटेगरी में लोग हिंदी फिल्म में उस वक्त मुझे समझते थे, तो या तो मैं हीरो का दोस्त हो सकता था क्योंकि जवान तो मैं भी था, आज भी हैं जी शुक्रिया, या हीरोइन का भाई हो सकता था, या विलन कोई छोटे लेवल का विलन हो सकता था। और मैं चूंकि इस बैकग्राउंड से आया था जहाँ पे हम लोग शेक्सपियर भी करते थे, कालिदास भी करते थे, आर्थर मिलर भी करते थे, मोहन राकेश भी करते थे, तो उसके बाद इसी तरह के किसी कैरेक्टर में फंस जाना ज़िंदगी भर के लिए मुझे गवारा नहीं था। तो टेलीविज़न जब मीडियम के तौर पर सामने आया तो उसने बहुत से ऐसे किरदार सामने पेश किए, और मीडियम के तौर पे भी इतना बड़ा मीडियम जिसमें फिर मुझे मौका मिला इस तरह के रोल करने का, जैसे कि नीम का पेड़ कह लीजिए, फटीचर कह लीजिए, कब तक पुकारूं कह लीजिए, करमचंद कह लीजिए, फिलिप्स टॉप टेन कह लीजिए, ऑफिस कह लीजिए, या जबान संभाल के कह लीजिए, या और कई चीज़ें, लाइफलाइन कह लीजिए, और कई सीरियल जिनके नाम शायद मुझे याद भी नहीं हों। इन सब के अंदर जिस तरह के किरदार करने का मुझे मौका मिला, वो मौका शायद मुझे सिनेमा कभी भी प्रेजेंट नहीं कर पाता। लेकिन फॉर्चुनेटली समझ लीजिए, मेरी तकदीर की खातिर या हिस्टोरिकली ऐसा होना ही था, दरअसल हिस्टोरिकली ऐसा होना ही था कि टेलीविज़न की शक्ल कुछ 70s के हिंदी सिनेमा, साउथ इंडियन हिंदी सिनेमा की तरह होती चली गई। बहुत अच्छी उम्दा लेवल की सोच से उस सोच पर उतरती चली गई और सिनेमा की शक्ल जो है वो उभरती चली गई। तो उभरता जो सिनेमा था उसके अंदर हम जैसे अभिनेताओं के लिए भी रोल लिखे जाने लगे, सामने आने लगे। तो फिर इस तरह की फिल्में जैसे कि डॉक्टर की मौत या मकबूल या धर्म या ब्लू अम्ब्रेला या मटरू की बिजली का मंडोला भी लेटेस्ट जो हुआ, इस तरह की फिल्में जो हैं वो सामने आने लगी। अदालत में उठाया गया, चीज हर एक बात इस लड़के को कसूरवार ठहराती है। आप लोग क्या समझते हैं मैं कोई बेवकूफ बस या यूं ही कुछ? आप सब लोग बहुत ही टुच्चे किस्म के लीजिए और कमजोर लोग हैं, बहुत चिड़िया जैसा पिद्दी जैसा दिल पाया आप लोगों ने। मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा, समझो, मुझे अपनी राय पर खड़े रहने का पूरा हक है। ये तो खैर बाद में ही हुआ अगर आप देखें, क्योंकि आपसे मेरी मुलाकात 1985-86 के आसपास इलाहाबाद में तब हुई जब प्रदीप किशन अपना बरगद बना रहे थे और एक होटल में आप और के रुके हुए थे, और तब आप लोग इस बात पर काफ़ी झींक रहे थे कि क्या ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें बम्बई में एक फ्लैट भी नहीं खरीद सकते। और बहुत वो नेचुरल बात थी, क्योंकि एक आदमी जब इतनी रिग्रेस ट्रेनिंग से होकर यहाँ तक पहुँचता है उसके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और फिर वो दोयम दर्जे का काम भी बाजार में देख रहा होता है, तो अपने को कहीं एक सेंस ऑफ प्राउड तो रहता ही है और एक सेंस ऑफ डिफीट भी रहता है। ये जो स्ट्रगल का पीरियड है जहाँ जिसमें कुछ शिकायतें भी जाहिर है कि आपको रही होंगी पूरे परिवेश से, वो क्या है?
स्ट्रगल मुझे, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यही जो ट्रांजिशन के पीरियड्स थे ये ज़रा मुश्किल थे, क्योंकि पहले तो थिएटर से टेलीविज़न में आना मुश्किल था, क्योंकि हम लोगों को थिएटर की एक डिसिप्लिन की आदत थी, एक थिएटर की परफॉर्मेंस की आदत थी, एक ज़िंदा जीवित तालियों की आदत थी। उससे निकल करके टेलीविज़न के मीडियम में आना, जहाँ पे एक तो रेपिटेटिवनेस एक अरसे के बाद बहुत ज़्यादा हो जाना, एक ही कैरेक्टर को बार बार आपने सीरियल के तहत करना, लेकिन उसके ज़रिए आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी या लोग आपके बारे में जो जानकारी हासिल कर पा रहे थे, उससे ये तसल्ली भी होती थी कि कुछ दूसरे कैरेक्टर्स आपको करने को मिलेंगे, जो कि वाकई मिले भी। लेकिन इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रह रहा है। तो हर बार हम लोगों को, जब से हमने थिएटर करना शुरू किया, समझ लीजिए जब से हम अभिनय की तरफ बढ़े, तब से ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। जब कभी भी कोई नया रोल आपके हाथ लगता है और कोई नया सफ़र आपका स्टार्ट होता है उस इंसान को बनाने में, जो इंसान का रोल आप कर रहे होते हैं, कि ये इंसान जो मैं कर रहा हूँ कर पाऊँगा सही तरीके से या नहीं, और दूसरा ये मेरी ऑडियंस तक ठीक से पहुँच पाएगा कि नहीं, और तीसरा मेरी ऑडियंस इसको कबूल भी करेगी और सराहेगी भी या नहीं। ये सिलसिला मुझे लगता है अभिनेता के लिए हर वक्त हमेशा के लिए रहता है। एक ही चीज़ की आप तसल्ली हासिल कर सकते हैं बतौर अभिनेता, वो ये है कि जो काम का सिलसिला है या जो सफ़र है काम का, उस दिन से जब से आपको रोल ऑफ़र किया गया और उस दिन तक जब तक आपने उसको निभाया, उस सिलसिले की तरफ अगर आप पूरी ईमानदारी शिद्दत और मोहब्बत से काम करेंगे तो वो आपको एक ऐसी तसल्ली देगा जो शायद किसी लेवल का पैसा या किसी लेवल की शोहरत जो है वो शायद आपको ना दे सके। बातों का सिलसिला बढ़ाएंगे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे पंकज कपूर के साथ, जो कि जाने माने अभिनेता हैं। मेरी कोशिश ये रही है कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करूँ और पंकज कपूर ना पोर्ट्रे करूँ हर वक्त, तो लोग मेरे उस काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं बजाय मैं जो मुख्तसर सा छोटा सा एक मैं हूँ। स्वागत एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में, आप हैं आज पंकज कपूर के साथ। पंकज जी, सरसरी तौर पर उन फिल्मों का जिक्र ज़रूर आपके मुंह से सुनना चाहेंगे जिनमें काम करके आपको बहुत खुशी हुई और वो बहुत ही चुनौती भरे रोल थे जिनको आपने करके दिखाया। दरअसल बात यूँ है कि आपको अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं दरअसल, तो मेरा काम दरअसल ये रहता है कि जब कोई भी काम मुझे दिया जाता है तो मैं अपनी तरफ से पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी के साथ उसकी तरफ मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि बतौर अभिनेता मेरे जो लोग जो मेरा काम देखते हैं या जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, वो मुझे किसी एक रोल के तहत जज ना करें, बल्कि मुझे जो टोटल सम टोटल ऑफ माय वर्क है, जिस जो 30 साल का एक सिलसिला मेरा काम करने का रहा है, उस सम टोटल को देख करके तय करें कि मैं कितना बार अभिनय में उतर पा रहा हूँ या उनको खुश कर पा रहा हूँ या नहीं, या जिस जर्नी पे मैं निकला हूँ उसको सही तरह से तय कर पा रहा हूँ या नहीं। इस सवाल को मैं थोड़ा रीफ्रेस करना चाहूँगा ताकि आखिरकार उस सवाल का जवाब हासिल कर सकूँ जो सवाल था। शायद कोई ऐसा रोल भी रह गया हो जो आप करना चाहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए, कि कोई एक एक्टर उसका एक पर्टिकुलर किरदार जो आपको बहुत अपील करता था लेकिन वो रोल अभी तक आपके लिए ना लिखा गया ना आपको वो करने का मौका मिला। मेरा ये मानना है कि दुनिया में सैकड़ों करोड़ों की तादाद में लोग हैं, उनमें से ज़ाहिर है कुछ लोगों के बारे में या कुछ तरह के किरदार जो हैं वो लिखे जाते हैं, तो मैंने तो अभी चंद कुछ चुनिंदा समझ लीजिए 25-30 कैरेक्टर्स किए होंगे अभी 30 साल की अपनी जर्नी में, या शायद 40-50 कर लिए होंगे, तो सैकड़ों की तादाद में तो बाकी हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे फलां किस्म का रोल करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, जो कुछ मैंने अभी तक किया है उससे मुख्तलिफ अगर कुछ करने को मिलेगा तो वो मेरे लिए चैलेंज होगा बतौर अभिनेता, और उस इंसान को समझ पाने में, उसको ज़िंदा कर पाने में और उस इंसान को फिर से खड़ा करके अपनी ऑडियंस के सामने ला पाने में जो खुशी मुझे महसूस होगी वो एक अलग लेवल की होगी। एक एक्टर के लिए ये एक सचमुच ऐसे मरहले भी कई बार आते हैं कि अगर ज़िंदगी के साथ उसका बहुत नज़दीकी रबता ना हो तो वो कागज़ पर लिखे हुए कैरेक्टर को ज़िंदा कर पाना उसके लिए भी एक बहुत मुश्किल भरा काम होता है। ये जो ज़िंदगी आपकी रही, इसमें अब तो मेरा ख्याल है कि वो मौके कम मिलते होंगे जिसमें
वेरियस काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स के साथ, उनके बोलने का अंदाज, उनके बैठने उठने का, उनका बॉडी लैंग्वेज, अब तो शायद नहीं मिल पाता होगा, तो इसको कैसे आप कोप अप कर पाए? मुझे लगता है मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ और परमात्मा ने मेरे ऊपर बड़ी कुछ मेहरबानी कर रखी है कि मैं आज की तारीख में भी किसी भी ढाबे पर बैठ के खाना खा सकता हूँ, मैं किसी भी जगह पर चल सकता हूँ। बल्कि मेरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए बहुत एडवांटेजियस बात है कि अगर वो ठीक चांदनी चौक में कैमरा रख करके अपने कैरेक्टर को चलाना चाहते हैं तो मैं चल के निकल सकता हूँ। इससे पहले कि लोग मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मैं वो शॉट दे चुका हूँगा। तो ये ऊपर वाले का बहुत करम रहा है मेरे ऊपर, चूँकि मेरी कोशिश ये रही है कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करूँ और पंकज कपूर ना पोर्ट्रे करूँ हर वक्त, तो लोग मेरे उस काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं बजाय मैं जो मुख्तसर सा छोटा सा एक मैं हूँ। तो वो कहीं से भी गुजर जाता है और कहीं से भी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लोग पहचानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहचानते, इज्जत भी देते हैं, प्यार से ऑटोग्राफ्स भी लेते हैं, लेकिन कोई मेरे ऊपर पाउंस नहीं करता। अगर मैं चाहूँ कि लोग मुझसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहें और मैं अपने खामोशी में कहीं बैठ के कुछ काम काज कर सकूँ, पढ़ लिख सकूँ, दो लोगों से बात कर सकूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये मेरा ख्याल है एक अजीब अद्भुत लेवल का ऊपर वाले का मेरे ऊपर, ऊपर वाले की मेरे ऊपर मेहरबानी है कि दोनों तरह का बैलेंस है, लोग पहचानते भी हैं लेकिन ज़िंदगी में दखल नहीं देते हैं। आपने कहा बातचीत के बीच में पीछे कि एक एक्टर के पास ये चुनाव नहीं होता है कि वो अपने लिए, वो जाहिर है कि एक डायरेक्टर का मीडियम है, जो कैरेक्टर उसको दिया जाएगा वो उसे परफॉर्म करेगा अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करते हुए। ऐसे में जिन डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, आपको क्या लगता है कि इन्होंने आपके हिसाब से रोल ऑफर किया और उनके साथ आपको काम करके वो फ्लेक्सिबिलिटी मिली? देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मैं थोड़ा काम करने के मामले में चूज़ी हूँ, मैं हर तरह का काम नहीं कर लेता हूँ। तो जो भी काम मैंने किया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चॉइस एक्सरसाइज करके ही किया है। तो जाहिर है उन निर्देशकों के साथ किया है जिनकी कहानियाँ मुझे अच्छी लगी, जिनका काम करने का तरीका मुझे अच्छा लगा, कुछ उनमें से मुझ पर ज़्यादा मेहरबान रहे हैं, जिनके साथ मैंने दो बार या तीन बार या दो बार से ज़्यादा काम किया है। तो एक राबता उनके और मेरे दरमियान बन जाता है जिसकी वजह से हमारा काम करना जो है वो आसान हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी चॉइस आपके पास रहती है कि आप तय करें कि इसमें से कौन सा काम आपने करना है और कौन सा नहीं करना है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वो काम जो मैं समझ पाऊँ और जो मैं कर पाऊँ और जो मुख्तलिफ हो मेरे पिछले काम से, उसको मैं अपने पास लूँ और उसके ऊपर काम करूँ और अपनी ऑडियंस के सामने उस कैरेक्टर को लेकर आऊँ। पंकज जी, अगर जो थिएटर एस्पायरेंट्स हैं या जो फिल्मों में एक्टिंग को लेकर दिलचस्पी रखते हैं हमारे देखने वाले, उनके लिए आप क्या ऐसा मंत्र कहना चाहेंगे? वो बहुत ज़रूरी है, देखिए, क्योंकि बदल गई, बहुत सारी परिभाषाएं बदल गई। स्कूल में भी जब शुरू में लड़के आते थे, लड़के लड़कियां, वो ये थोड़ी सोच के आते थे कि सीधे जाके फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना है। तो क्या है जो एक लॉन्ग लास्टिंग, एक लंबी रेस का घोड़ा बनाए किसी एक्टर? देखिए, मंत्र तो कोई नहीं है, दो तीन चीज़ें जो हमें सिखाई गई और जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से और मेरे दोस्त हैं। वो दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है, तो जो भी काम आपको मिले उस पर पूरी मेहनत करें, और बैठे बिठाए भी कुछ हासिल नहीं होता है तो उठ के उदम करें, उठें, चलें फिरें, कोशिश करें चीज़ें हासिल करने की, और जो कुछ मिलता है उस पर पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ काम करें, और एंड रिज़ल्ट की उम्मीद ना रखें। एंड रिज़ल्ट की उम्मीद आपको तकलीफ़ देगी हमेशा, उम्मीद नहीं रखेंगे तो अगर एंड रिज़ल्ट अच्छा होगा तो खुशी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। ये थे पंकज कपूर, जाने माने अभिनेता। कुछ कहना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।